हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल हेमास किचन में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ब्लूबेरी जेली वाली चॉकलेट की रेसिपी शेयर करूंगी, जिनको कि आप घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और फेस्टिवल टाइम में या वैसे भी आप किसी को गिफ्ट देना चाहें तो इनको आराम से आप बनाकर गिफ्ट दे सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स, मैंने वाइट चॉकलेट कंपाउंड लिया है और उसको मैंने यहाँ पर डबल बॉइलिंग मेथड से मेल्ट कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से इसको मैं मेल्ट कर लूँगी, यानी कि नीचे जो मैंने पैन रखा है उसमें हॉट वाटर है, अब उसके ऊपर मैंने ये चॉकलेट रखी है और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। बिल्कुल मेल्ट होने पर ही हम इसमें कुछ ऐड करेंगे, पहले मैं इसको अच्छे से मेल्ट कर लूँगी। आप चाहें तो ये प्रोसेस जो है माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं। माइक्रोवेव में ये वाला प्रोसेस आप एक एक सेकंड के लिए कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम के लिए ना करें वरना चॉकलेट आपकी जल सकती है। ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से पूरा ये मेल्ट हो गया है। अब मैं इसमें फ्लेवरिंग ऐड करूँगी, ब्लूबेरी। मेरे पास ये फैब का जो है एसल्स है, ये ऑयल बेस्ड है, चॉकलेट्स में यूज़ करते हैं इनको, तो मैं ये यूज़ करूँगी कुछ ड्रॉप। और इसको फ्रेंड्स मैं अच्छे से अब मिक्स कर लूँगी। फ्रेंड्स, जब आपको लगे कि आपकी जो चॉकलेट है पूरी तरह से मेल्ट हो गई है, जो आपने बॉयल करने के लिए यानी जो हीट के लिए आपने नीचे पैन रखा है ना, उससे आप इसे हटा दीजिए, क्योंकि इसका टेम्परेचर मेंटेन करना भी ज़रूरी होता है। आप इसे ज़्यादा गर्म करेंगे तो ये एकदम सॉलिड हो जाएगी। यहाँ पर मैं इसमें पर्पल शेड लाने के लिए पिंक एंड ब्लू शेड को मिक्स कर रही हूँ। ये मैंने ऑयल बेस्ड कलर जो यूज़ किए हैं, आप जो प्रॉपर एक चॉकलेट के लिए आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये ऑयल बेस्ड कलर हैं, ये चॉकलेट एंड आइसिंग वगैरह में सब में चल जाते हैं, आप जिसमें भी यूज़ करना चाहें आराम से मिक्स हो जाते हैं। देखिए, मैं अब इसमें कुछ ड्रॉप्स और ऐड करूँगी और एक पर्पल कलर का शेड तैयार हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं कुछ जगह पर वीडियो थोड़ी फास्ट करके दिखा दूँगी, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। फ्रेंड्स, ये देखिए पर्पल शेड आ गया है अब, और अब मेरे पास जो है ये मोल्ड रखे हुए हैं, तो मैं इस मोल्ड में बना रही हूँ। आपके पास जिस भी शेप के मोल्ड हैं आप बना सकते हैं, बट उसमें ध्यान रखिए थोड़ी सी अंदर जेल वगैरह जो है, या जेली या क्रश जो भी आप अंदर फिल करना चाहते हैं ना, उसको फिल करने के लिए कैविटी होनी चाहिए। अब मैंने इसके अंदर डाला है और अच्छे से मैं इसके चारों तरफ जो है फिल कर लूँगी, साइडों में भी पूरा चॉकलेट इसमें कवर होना चाहिए। और ये वाला जो प्रोसेस है ना फ्रेंड्स, मैं दो बार करूँगी। जो आउटर कवरिंग बनेगी चॉकलेट की फ्रेंड्स, वो थोड़ी सी सॉलिड होनी चाहिए, वरना क्या होगा कि हम इसमें से निकालेंगे और वो फिर वो टूट जाएगी। तो इसलिए मैं ये वाला जो प्रोसेस है ना, इसको चॉकलेट से कवर करने वाला, ये दो बार करूँगी। अब ये करके मैं इसको फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, तो इसको करने के बाद मैं 10 मिनट के लिए फ्रिज में सेट करूँगी। फ्रिज में रखेंगे फ्रेंड्स, फ्रीज़र में नहीं रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छी तरह से मैं चारों तरफ कोटिंग कर लूँगी इसकी, और जो इसमें से एक्सेस चॉकलेट है उसको मैं इसमें से निकाल लूँगी। मोल्ड को अच्छे से हम क्लीन कर लेंगे ऊपर से, ताकि जो चॉकलेट लगी हुई है वो वेस्ट ना हो। सिर्फ अंदर कैविटीज़ के अंदर ही हम चॉकलेट रहने देंगे, बाकी ऊपर से सारी चॉकलेट हटा लेंगे हम। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से इसके अंदर फिल हो गई है। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूंगी। फ्रिज में रखेंगे फ्रेंड्स, फ्रीज़र में नहीं। और मेरे पास एक ये दूसरा मोल्ड भी है, इसको भी मैं उसी तरीके से जैसे मैंने फिल किया है वैसे ही इसमें भी मैं चॉकलेट फिल कर लूँगी, चारों तरफ अच्छे से इसको फिल कर लूँगी, और उसके बाद जो एक्सेस चॉकलेट होगी वो मैं निकाल दूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं वीडियो थोड़ी सी फास्ट कर दूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अच्छे से इसको फिल कर लिया और रही हूँ एक्सेस चॉकलेट जो है, और पूरा जो मोल्ड है क्लीन कर दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी ये फर्स्ट टाइम हुआ है, हम इसको ये वाला जो प्रोसेस है हम दोनों ही मोल्ड्स में दो दो बार अप्लाई करेंगे, यानी एक बार मैंने कर दिया है, नेक्स्ट टाइम एक बार और करूँगी। ये वाली जो अभी मैंने फर्स्ट टाइम कोटिंग लगाई है ये सेट हो जाएगी, तो नेक्स्ट टाइम मैं दोबारा करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसे भी मैं 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दूंगी। और आप ये जो सिलिकॉन मोल्ड्स हैं ना, इनको ऐसे ही मत रखिए, इनको किसी प्लेट के ऊपर रखिए, वरना ये टेढ़े हो जाते हैं थोड़े से, तो इनकी शेप चेंज हो जाती है। अब मैंने जो पहले वाला मोल्ड रखा था उसको निकाल के दोबारा से मैं वही प्रोसेस जो है अप्लाई करूँगी, साइडों में अच्छे से चॉकलेट फिल कर दूँगी। वही वाला फर्स्ट टाइम वाला प्रोसेस मैं दोबारा से रिपीट करूँगी। चॉकलेट को मैंने अच्छे से फिल करके 10 मिनट के लिए रख दिया था, अब मैंने उसके बाद जब निकाला है तो मैं अब इसमें ब्लूबेरी की जेली इसमें फिल कर रही हूँ।
फ्रेंड्स, इस तरह की जो चॉकलेट्स होती हैं ना, आप फ्रिज में 6 महीने तक आराम से स्टोर कर सकते हैं, और अगर फ्रिज में नहीं रखना चाहते तो आप 1 महीने तक इसको फ्रिज के बाहर भी स्टोर करके रख सकते हैं। यानी अगर आपको फेस्टिवल्स पे बनानी है या पहले किसी को गिफ्ट देनी है तो आप जो है इसको पहले से ही अच्छी क्वांटिटी में बनाकर तैयार करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से फिल हो गई है। अगर आप इसमें कोई और कलर रखना चाहते हैं या कलर नहीं भी डालना चाहते तो आप बिना कलर के भी इसे बना सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगती हैं। कलर आप अपनी मर्जी से जो भी आपको पसंद है, अगर आप कलर करना चाहते हैं तो जो आपको कलर पसंद है तो आप वो कलर रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर ब्लूबेरी की के कलर का रखा है तो मैंने इसको पर्पल शेड में रखा है। अब मैं इसके ऊपर जो है मेल्ट की हुई चॉकलेट से इनको कवर कर दूँगी अच्छे से। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको अच्छे से कवर कर दिया है और एक्सेस चॉकलेट को हटा दिया है। अब इसको मैं दोबारा से 10 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रखूँगी। ये देखिए, अब मैं इसी यही वाला प्रोसेस जो है, जो मैंने दूसरा मोल्ड रखा था स्टार वाला, उसके अंदर भी यही प्रोसेस रिपीट करूँगी। इसको भी फ्रेंड्स मैंने 2 बार चॉकलेट से कोट कर लिया था और उसके बाद ही मैं अब इसमें फिलिंग डाल रही हूँ। 2 बार करने से फ्रेंड्स क्या होगा, जब हम इसको मोल्ड से निकालेंगे ना, या हाथ में लेंगे या कैसे भी, तो ये जो है ऊपर की जो कोटिंग है इसकी टूटेगी नहीं। अगर हम सिर्फ एक एक बार कर देंगे तो ये जेली जो हम फिल कर रहे हैं तो ये निकल सकती है। जैसे आप मोल्ड से इसको निकालेंगे तो उस टाइम भी ये चॉकलेट टूट जाएगी और फिर सारी आपकी चॉकलेट वेस्ट हो जाएगी, यानी कि जो आप मेहनत करेंगे सारी वेस्ट हो जाएगी। इसलिए इसको प्रोसेस को 2 से 3 बार आप रिपीट करके फिर ही फिलिंग वाली चॉकलेट आप बनाइए। जो कैविटीज़ है ना, इसी तरीके से उसके अंदर क्रश को फिल कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से मैंने फिल कर लिया है जेली को और मैंने ऊपर से वही चॉकलेट से इसको कोट कर दिया है। मैंने इसके अंदर जेली फिल की थी और वो सील हो गई हैं। अब एक्सेस चॉकलेट को मैं इसके ऊपर से निकाल लूँगी। अब फ्रेंड्स, इसको अच्छे से कोट करके ध्यान रखेंगे कि कहीं से भी जो चॉकलेट है वो लीक ना कर रही हो। अच्छे से पूरा कोट करके उसके बाद एक्सेस चॉकलेट इसमें से हम हटा देंगे और इसको मोल्ड को एकदम क्लीन कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसको मैं 10 मिनट के लिए दोबारा से फ्रिज में सेट होने के लिए रख दूँगी। मेरे पास ये जो है चॉकलेट का मोल्ड है और अभी जो मेरे पास ब्लूबेरी फ्लेवर की चॉकलेट मैंने बनाई है, थोड़ी सी चॉकलेट बच गई है, तो मैं इस तरह के मोल्ड में उनको सेट कर रही हूँ। पहले मैंने थोड़े से स्प्रिंकल्स डाल दिए हैं और उसके ऊपर मैं अब ये चॉकलेट स्प्रेड कर दूँगी। अगर बीच बीच में आपको लगता है कि आपकी जो चॉकलेट है ना वो थोड़ी थिक हो रही है तो आप दोबारा से वही बॉइलिंग हॉट वाटर बॉइलिंग पैन के ऊपर रख कर इसको गर्म कर सकते हैं। बट ये है कि ज़्यादा देर के लिए उसके ऊपर ना छोड़ें आप इसे। और अगर माइक्रोवेव करना चाहते हैं तो 1-1 सेकंड के लिए आप इसे माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट 6-7 मोल्ड की इस तरह की चॉकलेट्स तैयार हो जाएंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इनको भी मैं फ्रिज में रख दूंगी। और आप देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने पहले जेली फिल करके जो चॉकलेट्स रखी थी इन दोनों मोल्ड में, अब वो सेट हो गए हैं। अब उनको हम डीमोल्ड कर लेंगे। सिलिकॉन मोल्ड्स में निकालने से पहले फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, उनको जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं इस तरीके से स्ट्रेच कर देते हैं पहले, तो जो आउटर जो इसकी कवरिंग है ना वो मोल्ड से छूट जाती है अपने आप, यानी कि जो चॉकलेट है हमारी मोल्ड से अपने आप छूट जाती है और हमें इस तरीके से निकालने में आसानी होती है। ये देखिए, और हम इसको उल्टा करके ऐसे बाहर की तरफ जो है प्रेस करेंगे तो ये चॉकलेट बाहर निकल आएगी। बट फिर भी आप थोड़ा ध्यान से कीजिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी किनारे वगैरह जो है ना इसके क्रैक हो जाएंगे तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए ये काम थोड़ा सा ध्यान से कीजिए आप डीमोल्ड जो चॉकलेट को करेंगे, सिलिकॉन मोल्ड से भी या कोई और भी मोल्ड होता है तो आप थोड़ा डीमोल्ड करेंगे ना आप चॉकलेट को, तो वो काम ध्यान से कीजिए आप थोड़ा। देखिए, ये फिलिंग वाली चॉकलेट्स हैं, इस वजह से मुझे थोड़ा और ध्यान से करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर ये कहीं से भी क्रैक हो गया तो सारी जो फिलिंग मैंने इसमें भरी है ना वो सब बाहर निकल आएगी और चॉकलेट ख़राब हो जाएंगी। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से पहले मैंने पूरे मोल्ड को खींच के चारों तरफ से स्ट्रेच करके उसको थोड़ा ढीला कर लिया, थोड़ा सा प्रेस कर रही हूँ तो वो अपने आप बाहर निकल रही हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स, मैं दोनों मोल्ड्स में से चॉकलेट्स निकाल लूँगी। ये मैंने एक मोल्ड की निकाली है, अब दूसरे वाले मोल्ड से भी मैं चॉकलेट निकाल लूँगी। फ्रेंड्स, ये देखिए सारी चॉकलेट्स बनकर तैयार हैं और इनको बनाने में आपका टाइम भी नहीं लगा है।
अगर आप एसी में बैठ के काम कर रहे हैं तो आप इन्हें फ्रिज में ना भी रखिए, तो ये अपने आप सेट हो जाती है। बट आपका जो चॉकलेट का कंपाउंड है ना, वो आपने पहले से पूरी स्लैब उसके अंदर ना रखी हो। अगर आप चॉकलेट बाहर स्टोर करते हैं तो आपको इसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही होंगी। अगर आपको मेरे चैनल पर मेरी वीडियोज़ में कुछ भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपके कोई डाउट हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं एक चॉकलेट आपको कट करके दिखा रही हूँ, कितने अच्छे से उसके अंदर फिलिंग सेट हुई है। ये देखिए फ्रेंड, आप कोटिंग देख रहे हैं ना चॉकलेट की, कितने अच्छे से ये, जब मैंने दो कोट किए हैं तो इस तरह से कोट हुआ है। अगर आप सिंगल कोट में रखेंगे तो आपकी चॉकलेट मोल्ड से निकल ही नहीं पाएगी, निकालते वक्त ही ये टूट जाएगी। इसलिए बेस्ट है कि आप जो फिलिंग वाली आप चॉकलेट्स बनाएं ना, तो उनमें दो बार कोटिंग तो ज़रूर करें। आप दो से ज़्यादा रखना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, बट दो बार तो कम से कम करनी ही चाहिए। ये देखिए फ्रेंड, चॉकलेट्स बनकर तैयार हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने हैम्पर्स के लिए, जो मुझे कुछ हैम्पर्स तैयार करने थे उसके लिए मैंने काफ़ी सारी चॉकलेट्स बनाई थी, तो इसी तरीके से मैं ना एक एक वीडियो करके जो जो मैंने हैम्पर्स के लिए चीज़ें बनाई थी उनकी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपके कोई डाउट हैं तो। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय।